professional model and an actress starring in movies like Babu Mashai Bandook Bas to the T for Taj Mahal and the Sholay Girl, we have with us Bidita Bagh. So can you take us through your journey from a professional model to an actress to the plethora of movies that you have done so far? It was not an easy thing for me. I can call it as a gradual progression because I always wanted to be an actress. But the thing is, it was not easy to get into the film industry. आपको पता है कि फिल्में करना है तो या तो यू हैव टू बी फ्रॉम थिएटर बैकग्राउंड और फ्रॉम मॉडलिंग बैकग्राउंड या नेपो बैकग्राउंड यू नीड टू हैव अ गॉडफादर विल लॉन्च यू बट फॉर मी इट वाज नॉट अ वेरी इजी थिंग बिकॉज आपने देखा होगा मॉडल्स को उस तरीके से अच्छे एक्टर के हिसाब से काउंट नहीं किया जाता है. सब सोचते हैं ठीक है मॉडल है तो मे बी दे आर नॉट वेरी डायनामिक. हाँ स्टोन फेस होता है. दे वोंट बी एबल टू इमोट. सिर्फ दे आर ऑल अबाउट ग्लैमर एंड फैशन. तो ये सब जो प्री कंसेप्ट जो नोशंस है वो सब मुझे धीरे धीरे तोड़ना पड़ा. तो मुझे करियर में शुरुआत के लिए मुझे ग्लैमरस नहीं डी ग्लैम रोल्स चूज़ करने पड़े ताकि मैं लोगों को मतलब समझा सकूं कि देखो मे बी आई वॉक इन रैम बट आई कैन ऑल्सो लाइक एक विलेज गर्ल के हिसाब से भी आई कैन वॉक एंड आई कैन गिव दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डी ग्लैम परफॉर्मेंस. एक्टिंग ओरिएंटेड जो कैरेक्टर्स होते थे वो मैंने प्ले करना शुरू किया तब लोगों ने मुझे थोड़ा सीरियसली लेने लगे. नहीं तो शुरू में रिजेक्ट रिजेक्ट she is very glamorous, she is too tall, she is too thin, ये सब लोगों में concept होता था ना तो वो reject कर देते थे मुझे. ma'am, you surely proved them wrong for sure that. so ma'am, can you tell us one of the most challenging characters that you ever had to portray on the big screens? मुझे लग रहा है कि एक के बाद एक challenging characters मिलते ही जा रहे हैं मुझे. I'm lucky in that way क्योंकि जो बाहर के जो actors होते हैं उन्हें जिस तरीके के रोल्स वो लोग डिमांड करते हैं या चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं पाता है. बट आई हैव बीन वेरी लकी. मुझे हमेशा से स्ट्रॉन्ग और चैलेंजिंग कैरेक्टर से ही मिलते रहे हैं. इसमें से या तो आप बाबू मशाय बंदूकबाज देख लो जहाँ मैं एक मोची का किरदार निभा रही हूँ जो यूपी से है. आई एम अ बंगाली गर्ल. वो यूपी का डायलेक्ट कैच करना था. देन टी फॉर ताजमहल अगेन बेस्ड इन यूपी बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर इन अ कॉमेडी सेटअप. Then I'm playing Sholay Girl, biopic of Reshma Pathan, जहाँ she is from a orthodox Muslim family, Mumbai से है तो मुंबईया language बोलना था. Then मैंने और एक film किया है दया बाई जहाँ I'm playing a South Indian girl, मर्सी मैथ्यू उनका भी biopic है. तो इस तरीके से अलग अलग वैरायटी का रोल्स मुझे मिल रहा है तो आई एम गेटिंग टू एक्सप्लोर सो मच. मतलब सिर्फ एज एन एक्टर नहीं मैं अलग अलग लैंग्वेज भी सीख रही हूँ. जैसे मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी एज द रिवर फ्लोज या उसका एसमीज वर्जन है एखोन ने देखा नदी रिपारे जिसमें मैं एसमीज लड़की का किरदार निभा रही थी तो मुझे एसमीज सीखना पड़ा एंड आई हैव डब्ड दैट कैरेक्टर माई सेल्फ. Which brings us to the next question, ma'am. How many languages are you fluent in? No, I'm not very fluent in any language. But मैं सारे language थोड़ा बहुत मतलब dialogues तो बोल लेती हूँ. Primarily I speak Bengali, Hindi, English, and I understand Assamese, Odia, Nepali, Gujarati, Marathi to some extent. That's it. Ma'am, do you think OTT is the new future or like do you think it's just an alternative and won't replace the mainstream cinema? OTT I will think as just another platform. देखिए OTT में बहुत interesting जो theme है genre और stories पे काम हो रहा है. बहुत पाथ ब्रेकिंग स्टोरीज जो सिनेमा हॉल में रिलीज़ करने से शायद प्रॉफिट नहीं होता या टेलीविजन आजकल सॉरी टू से इट्स बिकमिंग वेरी रिग्रेसिव दिस डेज. तो टेलीविजन में भी शायद वो सब नहीं कर पाते. तो जो फिल्में या
कुछ स्टोरीज जो होते हैं आप फिल्म नहीं बना सकते, उसका थोड़ा इलाबोरेट तरीके से उसका वेब सीरीज बनाना ज़रूरी होता है। तो उस तरीके के सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। बट कुछ ओ टी टी प्लेटफॉर्म ऐसे भी है, आप लोग जानते होंगे, कि जहाँ सेक्स और कुछ नहीं बन रहा है, तो मुझे उससे तकलीफ़ है। बट अच्छा काम तो हो रहा है एंड आई थिंक इट्स फ्यूचर, बिकॉज सबके मोबाइल में आ गया है। आप अपने हिसाब से अपने अपने टाइम के अनुसार आप जब भी जो शो आपको देखना है आप देख सकते हैं और सब कुछ आपके मुट्ठी में है, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और हम इंडिपेंडेंट एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए आई डोंट थिंक या मे बी इन फ्यूचर, अभी तो नहीं दिख रहा है कि कोई 100 करोड़ का एक फिल्म मुझे लेके कोई प्लान करेंगे, बट मेरे लिए शोले गर्ल हो गया या इंटरेस्टिंग कुछ फिल्म्स जो मुझे मिल रहा है 2-3 करोड़ 4 करोड़ के कुछ अच्छे स्टोरीज बन रहे हैं मुझे लेके। अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं होता नहीं बन पाता शायद। कैन यू टेल अस अ बिट अबाउट द मोस्ट इरिटेटिंग पार्ट ऑफ बीइंग एन एक्ट्रेस? देखिए लोगों को एक्ट्रेस क्यों बनना होता है, क्योंकि इस प्रोफेशन के साथ इतना कुछ जुड़ा हुआ है, इतना ग्लैमर है, इतने पैसे हैं, तो इरिटेटिंग कुछ नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ बहुत इरिटेट करते हैं आजकल लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन जो है। लोग आज सिर्फ एक सेल्फी से खुश नहीं होते, उन्हें सेल्फी भी चाहिए, और उन्हें उस प्रोफाइल में सेल्फी चाहिए जिनमें वो खुद अच्छे दिखते हैं, 8-10 फिल्टर ऑन करके सेल्फी लेते हैं। और सिर्फ सेल्फी नहीं, उन्हें और एक स्टैंडिंग मतलब फ्रंट कैमरा और रियर मतलब बैक कैमरा दोनों से उन्हें फोटोज़ चाहिए। और जितने लोग हैं सबको एक सेल्फी और एक बैक कैमरे से, मतलब आप सोचो अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के साथ सेल्फी और बैक कैमरे से कुछ, और सब लोग मिनिमम 5 फोटोज़ 5-6 फोटोज़ लेते हैं, तो 600 फोटोज़ हो गए आप सबके लिए पोज करना है। अगर आप किसी के लिए पोज नहीं करते हैं तो वो ऑफेंडेड हो जाते हैं और सोशल मीडिया में आपको टैग करके गाली भी देते रहते हैं कि ये देखो बहुत प्राउड हो गई है अपने आप को, पता नहीं क्या समझती है, हम हैं इसलिए आप हैं। Given a chance to live the life of any of the characters that you have portrayed on the silver screen, which would it be and why? I think Reshma Pathan ka life. Usme bahut kuch explore abhi tak nahi kiye. Sach mein kya life thi? Unhone kitna struggle kiya aur matlab ek ladko ki duniya mein khud ek ladka banke unhone fight kiya aur kya kya kamal ki stunts karti thi. Us level ke stunt agar कभी मैं कर पाऊँ लाइफ में, क्योंकि अभी ऑलरेडी लेट हो चुकी है, वो सब करना है तो बचपन से ही शुरू करना पड़ता है। बट दे से इट्स नेवर टू लेट, अभी भी मैं कर रही हूँ। और यू डोंट नो कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। आज मैं अचानक शीर्षासन कर लिया, अभी मैं इस एज पे मैं जाके स्प्लिट करने लगी हूँ जो बचपन में नहीं होता था। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी इफ़ यू कंडीशन योर माइंड एंड इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट। आई थिंक हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और बस आई वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ एंड अचीव गुड थिंग्स, दैट्स इट। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम विद अस। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू विद कैमरा पर्सन ज़िकिम। दिस इज़ अमलान फॉर ईस्ट मोजो। थैंक यू।